हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यू वीडियो होगी ये, मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको अंडर 250 रुपीज़ में गेम सजेस्ट करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंडम ऑर्डर्स में, मतलब रैंडम अपनी पसंद की गेम्स थोड़ी सी सजेस्ट करी थी, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें अच्छी अच्छी गेम्स मैंने सजेस्ट करी हैं, तो उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए। लास्ट वीडियो को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो में मैं आपको अंडर 250 रुपीज़ में गेम सजेस्ट करूंगा। तो हाँ, तो आपको भी ऐसी गेमिंग इन गेमर्स रिलेटेड कॉन्टेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और मेरी वीडियोज पसंद आती तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे ही मैं डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मैं होप करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर ही लेंगे। लास्ट वीडियो में 200 लाइक्स पहुंचा दिए बिना कुछ कहे, तो हाँ लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो ये चैनल के लिए बेनिफिशियल होगा, और इससे आप चैनल के लिए हेल्प भी करोगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो चलिए चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको अंडर 250 रुपीज की गेम सजेस्ट करूंगा। मैं अपने ब्राउजर में खोलता हूँ। अरे नहीं, हाँ, ये आपकी ऑटम सेल चल रही है अभी, स्टीम में ऑटम सेल चल रही है, ये अभी 1 दिसंबर तक रहेगी आपकी। आपके पास कुछ 4-5 दिन है, तो आप इनमें से आप गेम्स ले सकते हो। तो मैं आपको सस्ती से थोड़ी महंगी महंगी करते जाऊंगा, मतलब अंडर 250 रुपीज में ही। तो आपकी जो मैं सबसे पहली गेम सजेस्ट करूंगा, लोगों को पता ही है नॉर्मली ये गेम होनी ही चाहिए, जस्ट कॉज 3 बहुत बढ़िया गेम है। सिर्फ 59 रुपीज की ये गेम आपको मिलेगी। 60 रुपीज में आपको ये जस्ट कॉज 3 ओपन वर्ल्ड एक्शन, पूरी मल्टीप्लेयर भी आप इसे खेल सकते हो, बट लोग इतना नहीं खेलते को मल्टीप्लेयर, आपको सिर्फ 1500 लोग अभी है तो ज्यादा तो है नहीं। तो अच्छी गेम है ये, स्क्वायर एनिक्स गेम है, जस्ट कॉज 3 बहुत बढ़िया गेम है, 59 रुपीज में बहुत अच्छी डील है। नहीं तो आप 130 रुपीज में इसका पूरा डबल एक्सएल एडिशन ले सकते हो, आपको इसके अंदर गन्स और गाड़ियां मिलेगी, तो आप 130 रुपीज भी लोगे तो वो बेहतर ही रहेगा, बेटर रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो नेक्स्ट गेम है ये भी आपकी जस्ट कॉज 2 है। ये जस्ट कॉज 2 अगर जिनको लेने का मन कर रहा है कि भाई हाँ थोड़ी ओल्ड टाइप की गेम खेलनी है, तो आपको ये 47 रुपीज में मिल जाएगी, अगर आपको खेलनी है तो ये कर सकते हो। और ये आपकी विचर 2, जिनके पास विचर 3 का बजट नहीं है, 300 रुपीज की आपको मिल रही है वो। 300 रुपीज अगर जिसका बजट नहीं है तो ये गेम 84 रुपीज में वो खेल सकता है, 84 रुपीज में आपको अच्छा डील मिलेगा ये। और जो लोग अभी ये 341 रुपीज वाला जो बंडल देख रहे हो, इसको मत लेना, क्योंकि आपको जो वाइल्ड हंट का सिर्फ नॉर्मल एडिशन मिलेगा, आपको पूरा गेम ऑफ द ईयर वाला फुल एडिशन नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा बेहतर, आपको ज्यादा कॉन्टेंट मिलेगा। तो आपको अगर विचर 2 लेनी है तो ले सकते हो, 100 रुपए में 84 रुपीज में आपका बन जाएगा, अगर जिनके पास 300 रुपए जिनको नहीं देने हैं तो। और जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी ड्यूस एक्स मैनकाइंड डिवाइडेड। ये एक बढ़िया गेम है, साइबरपंक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक साइफाई गेम है ये, अच्छी गेम है ये, जिनको खेलनी है वो खेल सकता है, 74 रुपीज का प्राइस है। इसका एक और है आपका ह्यूमन रेवोल्यूशन करके, इसका है एक और वर्जन, वो भी आप खेल सकते हो, तो ये भी बढ़िया गेम है। जिनको खेलनी है स्टेल्थ गेम साइबरपंक, तो ये वाली गेम खेल सकते हैं वो, 74 रुपीज की ये गेम है, 85% ऑफ। जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है Borderlands 2 एक बहुत बढ़िया लूटर शूटर गेम है, बढ़िया है, मतलब आपको शूट, मतलब मेन इसकी जो गन्स पार्टी है, और मतलब आपको थोड़ा कार्टूनिश टाइप का लुक लगता है, बट वो वही चीज उसकी ISP ही यही है, तो आपको मस्त लगेगा ये, आप Borderlands 2 को भी बाय कर सकते हो, 250 रुपए की ये गेम है। और जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी बैशन। बैशन एक सच बताता हूँ बहुत बढ़िया गेम है, ये आपकी टॉप डाउन व्यू वाली गेम है। मैंने आपको जब मैं राजी का गेम प्ले डाल रहा था, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि एक बैशन करके गेम है, वो इससे बेहतर गेम मेरे को लगी थी, बेटर है ये, आपकी राजी गेम से भी बेटर गेम है ये, पुरानी 2011 की गेम है, बट बहुत अच्छी गेम है। अभी इन्होंने अभी लेटेस्ट जो इनके है सुपर जायंट गेम्स, जो इनके डेवलपर्स हैं, इन्होंने भी लेटेस्ट हेडीज निकाली थी। हेडीज तो आपकी 500 रुपए की कुछ है, जिनको हेडीज अच्छी लगी थी या गेम प्ले देख रखा तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, 68 रुपीज की गेम है, सुपर चीप। जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, लोगों को बहुत पसंद आती है रेसिंग गेम्स, और मैं इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपए की मिल रही है, 99 रुपीज की ये गेम मिल रही है, तो अच्छी डील है। जिनको कार रेसिंग गेम्स खेलनी है तो वो ये खेल सकता है, नीड फॉर स्पीड है, ओके। और जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है नीड फॉर स्पीड राइवल्स। पर्सनली मैंने इसको नहीं खेला है, मेरे दोस्त ने इसको खेल रखा तो मेरे को बोल रहा था कि बहुत अच्छी गेम है राइवल्स भी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, कंप्लीट एडिशन है, 249 रुपीज की गेम है ये, 75% ऑफ, 249 250 रुपए में अच्छी गेम है ये, आप खेल सकते हो, बढ़िया है। और जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है बर्नआउट पैराडाइज रीमास्टर्ड, इसको मैंने खेला है, ये है बड़ी मस्त गेम, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये,
गेम अच्छी है, आप इसे ट्राई करो। और याद रखना कि इसमें शॉर्टकट्स, याद रखना शॉर्टकट्स ज़्यादा मेन चीज़ है इसके अंदर अगर आप रेस करते हो तो। बट गेम बहुत अच्छी है ये, आप इसे भी खेल सकते हो। 250 रुपये में मैं इसको रेकमेंड करता हूँ, जिनको रेसिंग गेम खेलनी है वो ये खेल सकता है। और जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी सनसेट ओवरड्राइव। सनसेट ओवरड्राइव आपकी एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एक्शन गेम है, ये अच्छी गेम है ये। और अगर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो तो ये इसके डेवलपर जो है वो इंसोमनिया गेम्स है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता चला, ये स्पाइडरमैन जो अभी सोनी की जो एक्सक्लूसिव है स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस, उसके ही डेवलपर्स हैं ये। सोनी ने इंसोमनिया गेम्स को खरीद लिया था और उसके बाद अब तो सनसेट ओवरड्राइव का 2nd वर्जन तो आएगा नहीं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हो गई है। बट हाँ, गेम अच्छी है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये आपकी क्या कहते हैं, सेंट्स रो 4 और सेंट्स रो सीरीज की तरह ही है ये। जिनको पसंद आती है ऐसी गेम्स, फनी गेम है ये बहुत, मतलब फनी एक्शन गेम है। सनसेट ओवरड्राइव आपकी 75% ऑफ 131 रुपीज़ की है। चीप गेम है, बहुत बढ़िया गेम है, आप इसे खेल सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है आपकी है क्वांटम ब्रेक। ये आपकी बढ़िया गेम है, ये आपकी टाइम मैनिपुलेशन वाली साईफाई गेम है, ये साईफाई एक्शन गेम है ये। आपकी मतलब आपके पास टाइम की पावर होती है और ये बढ़िया गेम है। मेरे दोस्त ने खेली थी, मेरे को सजेस्ट कर रहा था बट मेरे पास टाइम नहीं मिला इसको खेलने का। बट गेम बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। रेमेडी आपका जो कंट्रोल जिन्होंने बनाया है उसकी डेवलपर्स है रेमेडी, और बढ़िया गेम है ये। और इनके जो पब्लिशर्स हैं एक्सबॉक्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की गेम है ये, सीधा सीधा बोला जाए तो। क्वांटम ब्रेक आपकी 212 रुपये की गेम है, 75% ऑफ, अच्छी गेम है, ये भी चीप में ही मिल रही है तो आप इसे भी बाय कर सकते हो। और जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी द वुल्फ अमंग अस। द वुल्फ अमंग अस आपकी टेलटेल गेम्स की बहुत बढ़िया गेम है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है टेलटेल गेम्स की। 124 रुपीज़, 75% ऑफ है ये टेलटेल गेम्स की, बढ़िया गेम है आपकी। मतलब अगर आपने वॉकिंग डेड और ये सब खेल रखी तो आपको ये वुल्फ अमंग अस बहुत अच्छी लगेगी, वैसी टाइप की गेम ही है, स्टोरी ड्रिवन गेम है, अच्छी गेम है बहुत। और जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर गेम्स है, बट इसे मैं हॉरर तो नहीं बोलूंगा, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक हॉरर गेम है ये। मतलब नॉर्मल हॉरर गेम नहीं है, एटमॉस्फेरिक हॉरर गेम है, डार्क गेम है, अच्छी गेम है ये, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैंने एक्सबॉक्स गेम पास में खेली थी इसको। 182 रुपीज़ की गेम है, 75% ऑफ, बढ़िया गेम है। जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है मेट्रो 2033 रिडक्स। मेट्रो सीरीज अच्छी गेम है, कुछ लोग बोलते हैं बेकार गेम है, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, बट मेट्रो की सीरीज अच्छी होती है। आप इसकी दोनों देख सकते हो, पूरा बंडल है वैसे तो ये, 836 रुपीज़ में आपको पूरा मिलेगा मेट्रो एक्सिडस तक। मेट्रो आपकी लास्ट लाइट और ये दोनों 113 रुपये में आपको मिलेगी, 80% ऑफ है, तो आप ये दोनों को बाय कर सकते हो अगर आपको खेलना है तो। नहीं तो आप मेट्रो एक्सिडस को भी ले सकते हो। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि मेट्रो का एक नया वर्जन भी आएगा जो कि 2021-2022 तक आ सकती है उसका नया पार्ट, ये तो न्यूज़ थी तो मैंने आपको बता दिया साथ ही साथ में। आप इसे खेल सकते हो, 113 रुपीज़ की दोनों गेम्स है, तो आप इन्हें भी खेल सकते हो अगर आपको खेलना है तो, मेट्रो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो। जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी है बेयोनेटा। बेयोनेटा एक बढ़िया फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली हैक एंड स्लैश गोर गेम है, बढ़िया गेम है, एक्शन गेम है आपकी, क्या कहते हैं, डेविल मे क्राई जो सीरीज है सेम वैसी है, मतलब आपकी एक्शन गेम है हैक एंड स्लैश, आपको मजा आएगा और आप खेलोगे तो पता चल जाएगा, सीन है इसमें अच्छे, हाँ ठीक है। बेयोनेटा मिलेगी आपको 75% ऑफ, 166 रुपीज़ की। और जो नेक्स्ट गेम है ये है मैड मैक्स। मैड मैक्स एक बढ़िया व्हीकल कॉम्बैट गेम है, मेरे को बढ़िया लगा था, ओपन वर्ल्ड है, अच्छी गेम है, इसकी मूवी देख करके मैंने इसे खेला था तो हाँ गेम अच्छी है बहुत। 250 रुपीज की आपको मिलेगी, 75% ऑफ। और जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी स्लीपिंग डॉग्स। ओल्ड गेम है बट मस्त गेम है ये भी, ये आपकी हांगकांग बेस्ड GTA बोल लो, बढ़िया गेम है आपकी मार्शल आर्ट, इसका जो सेलिंग पॉइंट है बढ़िया वाला ये है मार्शल आर्ट गेम्स, आपको बढ़िया लगेगा ये गेम, आपको 109 रुपये में मिलेगी, 85% ऑफ पे। और जो नेक्स्ट गेम है आपकी ये है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। ये गेम आपको अगर नहीं पता तो ये एक सर्वाइवल गेम है इन डायनासोर वर्ल्ड। मेरे को पर्सनली अच्छी लगी थी ये गेम, मैंने बहुत सारे माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स को खेलते हुए देखा था और तो मेरे को भी अच्छी लगी थी ये, तो मैंने बोला कि हाँ भाई आपको भी सजेस्ट कर ही लेता हूँ, जिनको खेलनी होगी तो वो खेल लेगा। 219 रुपये की गेम है, 80% ऑफ, ये एक टाइम पे एपिक गेम स्टोर में भी फ्री हुई थी, अगर आपने क्लेम कर लिया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये गेम आपको खेलने के लिए नहीं खेलनी, आपकी पसंद है। जो नेक्स्ट गेम है ये है आपकी लेफ्ट 4 डेड 2। लेफ्ट 4 डेड 2 एक बहुत बढ़िया गेम है, इसके साथ साथ आपकी एक और आती किलिंग फ्लोर 2 भी आई थी इसके साथ, बट मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, एक बेकार गेम है, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया था उसको खेल करके। ये आपकी मल्टीप्लेयर शूटर गेम है, कोऑप है, मतलब आपको सिर्फ मारना है, वो वेव वाली होती है ना, ज़ॉम्बी वेव्स आती है वैसी है ये। 69 रुपीज़ की गेम है ये, स्टीम की खुद की गेम है ये, वेल्व की गेम है तो इनको प्राइस के साथ खेलना बड़ा मजा आता है। या 69 रुपीज़ की गेम है। जो नेक्स्ट गेम है ये आपकी हॉरर गेम है, जिनको हॉरर गेम खेलना पसंद आता है तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ।
ये आपकी है Outlast Trinity। ये गेम जिसको पसंद आएगी हॉरर गेम्स वो खेल सकता है। मैंने पर्सनली, मेरे को पसंद नहीं हॉरर गेम्स खेलना, तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिनको खेलना होगा खेल लेगा, क्योंकि सस्ती में मिल रही है 213 रुपीज़ की, 86% ऑफ। जो नेक्स्ट गेम मैं आपको लास्ट सजेस्ट करूंगा ये है ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट। ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट की गेम है, एक्सबॉक्स वालों की बढ़िया गेम है। सच बताता हूँ ये एक बहुत बढ़िया गेम है ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट। इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आया है, विल ऑफ विस्प करके एक नया वर्जन आया है इसका। 350 रुपए की गेम है, मैं इसमें नहीं सजेस्ट करता क्योंकि अंडर 250 रुपीज की गेम है ये। बट ये आपको सजेस्ट करूंगा, 142 रुपीज़ की गेम है। दोनों गेम ना बहुत बढ़िया है, जिनको साइड स्क्रॉलिंग गेम पसंद है उनको ये गेम बहुत पसंद आएगी, ट्राई आउट कर सकते हो। और इस लिस्ट में मैं आपको इतनी ही गेम सजेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारी लिस्ट है, मतलब हजारों में गेम्स हैं स्टीम के अंदर, तो मैं सबको तो सजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो स्टीम में जाकर के। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको कहाँ दिख जाएगा, यहीं कहीं आपको अंडर 250 रुपीज़, अंडर 500 रुपीज़ में आपको ऐसा दिख जाएगा। नहीं तो आप स्पेशल में जा सकते हो, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपके पास। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मिल जाते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, आपको कैसी टाइप की गेम पसंद आए सब कुछ मिल जाता है। इनका ये सॉर्ट आउट वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, फिल्टर्स वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरे को तो सही लगता है, मैंने बहुत सारी गेम्स ऐसी करके सजेस्ट, कभी कभार सजेस्ट करता हूँ और खुद भी ढूंढता हूँ, तो आप कर सकते हो, ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये वीडियो में आपको बस इतनी ही, मैंने आपको गेम सजेस्ट करी है, करीबन 20-21 गेम्स मैंने आपको सजेस्ट करी हैं, जिनको भी जो भी अच्छी लगती है वो ले सकता है, नहीं तो खुद भी सर्च करके ले सकता है वो। तो ये वीडियो यहीं देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपको भी ऐसी गेमिंग इन गेमर्स रिलेटेड कंटेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे ही मैं डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और आपके पास कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।